हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ, हैप्पी लाइफ चैनल। और आज है मंडे का दिन और कल संडे में पूरा घर को ऑर्गेनाइज किया था, तो थोड़ा सा थक गई थी और थोड़ा सा लेट उठ गई थी। मतलब मुझे उठना था 5 o'clock, लेकिन मैं उठ गई थी 6:45 को, कि पहले उठ गई फिर सो गई। मुझे इतनी नींद आई थी सही में, क्योंकि मंडे को थोड़ा सा लेजी लगता ही है। आपको भी लगता है ना ऐसा? तो मुझे ज़रूर बताना। Kasumi talyawa chaku mian ni appe man somyeon nan neoman bumyeon ige aninde nae mamun geuge ireon ge aninde yeppeuge marago। फ्रेंड्स, सुबह सुबह इतना लेज़ी लग रहा है मंडे के दिन। मतलब संडे को पूरा दिन काम में ही चला जाता है और फिर जब मंडे आता है तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो अभी मैं, लेकिन काम तो करना ही है ना लाइफ जीने के लिए, और जीने के लिए, काम करने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैंने कट किया एप्पल और इसको बस 2-3 मिनट्स रखा सॉल्ट वाटर में और फिर कर दिया पैक बॉक्स में, क्योंकि ये मैं खाऊंगी स्कूल में। अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अभी मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाऊंगी। तो मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे मैं कट करूँगी सारे वेजिटेबल्स, जैसे शिमला मिर्च। बहुत दिन से मैंने शिमला मिर्च से कुछ भी नहीं बनाया था और मतलब यूज़ ही नहीं किया था, बस गाजर या कुछ और यूज़ किया था, लेकिन शिमला मिर्च नहीं किया था। तो सोचा चलो करना चाहिए, खाना चाहिए सारे वेजिटेबल्स। तो मैंने सोचा चलो आज ना एक मिक्स वाली, टेस्टी वाली, फटाफट बनने वाली सब्जी बना लेते हैं। तो मैंने कट कर लिया शिमला मिर्च, टोमेटो, आलू, ऑनियन, ग्रीन चिलीज़ और थोड़ा सा ऑयल ले लिया कढ़ाई में और डाल दिया कुटा हुआ लहसुन, जीरा और थोड़े से ऑनियन डाल दूँगी, फ्राई करूँगी और फिर सारे वेजीज ऐड करके फ्राई कर दूँगी। थोड़ा सा वाटर ऐड करूँगी, एक यमी सी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज शाम को हमारे जो मम्मी के घर के पास है 11वीं शरीफ करेंगे दरगाह के पास, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। तो मैं आपको भी लेके चलूँगी, आप भी मेरे साथ चलना फ्रेंड्स। यमी सा पराठा तैयार हो गया है और आप भी आ जाइए फ्रेंड्स मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए फटाफट से। और ब्रेकफास्ट के बाद मैं चलती हूँ स्कूल और तैयार होके स्कूल चलती हूँ और फिर उसके बाद सीधा चलूँगी मेरे जो मम्मी हैं उनके घर, और आज वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो आप भी हमारे साथ ज़रूर आना फ्रेंड्स। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और हम सब हो गए हैं तैयार और यहाँ बैठे हैं पापा और मम्मी और जो बहन है वो तैयार हो रहे हैं। तो हमने जो ये सारी चीज़ें हैं जो लानी थी वहाँ के लिए, दरगाह के लिए, सारी चीज़ें, मतलब अब पापा जो हैं सुबह ही लेकर आके उन्होंने रख दिया था दोपहर के टाइम। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लेके जानी हैं, जैसे नारियल, चंदन और ऊद और अगरबत्तियाँ और फूलों के हार और थोड़े से लड्डू या कोई भी स्वीट जो होता है, या आप जैसे मुरी और गुड़ भी ले जा सकते हो। तो हम तो लड्डू लेकर आए हैं तो वही लेके जाएंगे। तो मैं रख लेती हूँ सारी चीज़ें ये वाले बर्तन में, ताकि इजीली फिर हम वहाँ पे इसमें से ले सकें। तो यहाँ पे मैं सबसे पूछ के सारी चीज़ें रख रही हूँ, क्योंकि जब ये चीज़ें लाए थे और जब बोल रहे थे कि क्या क्या ले जाना, मैं तो मतलब स्कूल में थी तो इसीलिए सारी चीज़ें पूछ के इसमें रख देती हूँ।
और हम लोग मतलब दो दो या एक एक करके जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि सब एक साथ जाएंगे तो फिर लॉक वगैरह करना पड़ेगा और बहुत पास ही है दरगाह। तो फ्रेंड्स आप भी चलिए हमारे साथ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो घर से जो सबसे पहले मेरे जो पापा और बहन है वो जाएंगे, क्योंकि पापा हमेशा पहले ही जाते हैं, सारी चीज़ें वहाँ दे के आते हैं और थोड़ी सी जो फातिया होती है वो दिलवा देते हैं वहाँ। तो ये दोनों आ गए थे, अब मुझे और मेरे साथ आ जाएगी मेरी बहन और फिर उसके बाद अम्मी को ले जाएंगे। से जनाबे को इतने उनकी कुतूर को और ने उनकी कुतूर को बख्शे जनाबे को की कुतूर को जनाबे गाँव ने उसकी कुसूर को मांगे दुआ खुदा से जो आखे हुए थे मांगे खुदा से मांगे दुआ खुदा से वो आखे हुए आता वो चेर भर के गाँव के खदमों में गिर पड़ा वो चेर भर के गाँव के खदमों पे गिर पड़ा वो सिलवरा ने तो मैं यहाँ आ गई थी, यहाँ मैंने आप सबके लिए दुआ मांगी, अपने लिए दुआ मांगी कि हम सब ठीक रहे, अच्छे रहे, में कोई मुसीबत ना आए लाइफ में। तो फ्रेंड्स आप सबके लिए भी हमने बहुत ज़्यादा दुआ मांगी है। तो यहाँ पे ये जो है दरगाह है, और यहाँ फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और लड्डू जलेबी जो भी स्वीट है वो चढ़ाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, उनको हम कुछ दे सकते हैं। तो मतलब आपके पास स्वीट होगा तो बहुत सारे बच्चे आ जाते, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो मैं कभी कभी जब दिल करता है तो यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। तो फ्रेंड्स देखा ना आपने, यहाँ कितनी अच्छी तरह से मनाते हैं 11वीं शरीफ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, बहुत मतलब दिल को सुकून मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ कल की एक प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।